पटना के टॉप 10 अपराधियों में से एक रवि गोप, जिसे स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 3 दिन पहले ही उसे शादी के मंडप से गिरफ्तार किया था। करीब 1.5 दर्जन मामलों के आरोपी और 50,000 का इनामी रवि गोप की गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस को राहत मिली थी। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर वाहवाही खूब हुई, लेकिन रवि गोप सिर्फ 1 दिन में जमानत लेकर बाहर आया और फिर रफू चक्कर हो गया। दरअसल 7 दिसंबर को एसटीएफ ने रवि गोप को गिरफ्तार करने के बाद पटना पुलिस को सौंप दिया था, जिसके दानापुर थाना के एक मामले में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन तेज तरार पटना पुलिस रवि गोप को 50 घंटे भी जेल में नहीं रख पाई। शातिर रवि गोप को उस मामले में जेल भेजा गया था जिस मामले में कंप्रोमाइज पिटीशन डाला हुआ था। रवि गोप ने जमानत याचिका लगाई और उसे बेल मिल गया। अब बिहार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस अपराधी पर 50,000 का इनाम हो, उसे बेल कैसे मिल गई? फिलहाल पटना के जोनल आईजी से इस मामले में पटना पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। न्यूज़ डेस्क।